नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन के विरोध में प्रदर्शन जारी। कानून वापस लेने की मांग को लेकर वाहन चालक उतरे सड़क पर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया अस्पतालों का दौरा, कहा मैं कार्रवाई करने नहीं बल्कि व्यवस्था सुधारने आया हूँ। और अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर मंत्री केदार कश्यप का बयान, कहा भक्तों को श्री राम का दर्शन कराने अयोध्या ले जाने की हो रही तैयारी। देश भर में मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित अन्य जिलों में भी वाहन चालकों का प्रदर्शन जारी है। रायपुर में ड्राइवरों ने रिंग रोड नंबर 4 को जाम कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। बिलासपुर में नए मोटर अधिनियम के विरोध में ट्रक एसोसिएशन सड़क पर उतर आया। रायपुर राजमार्ग के भोजपुरी टोल प्लाजा पर सैकड़ों चालकों ने ट्रकों और भारी वाहनों को खड़ा कर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। गौरेला पेंड्रा मरवाही में 500 से ज्यादा सवारी ऑटो, 100 से ज्यादा बस और मालवाहक गाड़ियों के ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरबा जिले में परिवहन कार्यों में लगे विभिन्न भारी माल वाहनों का परिचालन बंद रहने का असर सड़कों से लेकर खदानों तक देखने को मिला। पेट्रोल नहीं मिलने की अफवाह से शहरों के सभी पेट्रोल पंपों में लोगों की पेट्रोल डीजल लेने के लिए लंबी कतारें लगी हैं। वहीं ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने से सब्जियों की कीमत में उछाल आ गया है। महासमुंद में परिवहन कानून के संशोधन के विरोध में बस और ट्रक चालकों ने काम बंद कर दिया। चालकों का कहना है कि हिट एंड रन अधिनियम केस में चालक पर 10 साल कारावास और 7 लाख जुर्माना ज्यादती है, इसे वापस लिया जाए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पदभार ग्रहण करने के बाद अब एक्शन मोड में आ गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक लेने के बाद उन्होंने अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभागीय कामकाज शुरू करने के बाद शास्त्री चौक स्थित दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और परिजनों से बातचीत कर उनका हाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री ने अम्बेडकर अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का दौरा किया था। औचक निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मैं कार्रवाई करने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए आया हूं। हम प्रदेश के 3 करोड़ जनता को सरल, सुलभ और अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था देने के संकल्प को लेकर काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना ना पड़े। अयोध्या में श्रीराम मंदिर स्थापना और उद्घाटन को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में उत्साह का वातावरण रहेगा। प्रदेश से हजारों लाखों की संख्या में राम भक्त भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे, इसकी व्यवस्था भी हो रही है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भगवान श्री राम और मंदिर यह भारतीय जनता पार्टी या सरकार का विषय नहीं है, यह आम जनमानस, हिंदू भावना और भारतीय संस्कृति के आदर्श का विषय है। स्वस्फूर्त देश की जनता श्री राम मंदिर अभियान से जुड़ी है। केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीयों से आह्वान भी किया है कि 22 जनवरी को अपने घरों में आसपास उत्सव मनाएं। जब कोर्ट से श्री राम मंदिर का फैसला आया, जनता स्वयं उत्सव मनाने में जुट गई। निश्चित तौर पर भारतीय जनमानस में अपने आदर्श प्रभु श्री राम को लेकर उत्साह है। उत्सव का वातावरण पूरे देश में 22 जनवरी को देखने को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार भी नए साल की शुरुआत मजदूरों के साथ की। भूपेश बघेल ने गांधी मैदान स्थित पुराने कांग्रेस भवन के पास जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी नई शुरुआत मजदूर साथियों के साथ किया है, हर बार करते हैं, ये परंपरा हम जारी रखे हैं। मजदूरों के हित में हमारी सरकार ने शुरू से काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हर साल मुंह मीठा करके मजदूरों को कंबल बांटते हैं। देश के निर्माण में श्रम और श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नए साल की शुरुआत हर साल यहीं से करते हैं। नए साल की शुरुआत में 1 जनवरी को हर साल चौड़ी में आता हूं और श्रमिकों के साथ उनको मुंह मीठा करके इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। और जो श्रमिक हैं, जो देश के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ऐसे जो मेहनत कर लोग हैं उनके साथ मिलकर उनको मुंह मीठा करके दिन की शुरुआत, नए साल की शुरुआत हमेशा करते हैं। इस साल भी मैं आया हूँ और लोगों के साथ नए साल की शुरुआत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।